नमस्कार खेडूत मित्रों, किसान सफर परिवार में हूँ एजे मुड़िया आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छू। खेडूत मित्रों, खेडूत सुखी तो बधा सुखी आ वात लई अने आपणे दर वक्ते एक खेडूत मित्रों ने मळीए छे अने खेतीनी वात ए मित्रों आपणे करीए छे। खेतीनी अंदर केम खर्च घटे अने केम उत्पादन वधे एना माटेना ए मित्रों आपणा हमेशना प्रयत्नो रह्या छे। मित्रों, आपणे बधाने खबर छे कि खेतीनी साथे साथे ए पशुपालन ए एक सिक्कानी बे बाजू जेवुं छे। पशुपालन जे छे ए ने पण केम नफाकारक बनवू एनी माटेना मित्रों आपणे घणी वखत जे छे ए वीडियो मूकीए छे अने पशुपालन એ એક ખેતીનો આધારસ્તંભ જે છે એ બની શકે, પણ ખેડૂત મિત્રો જે છે એ માત્ર પશુને રાખવા ખાતર રાખતા હોય, ઘણી વખત જે છે જે પશુપાલન જે યોગ્ય રીતે થવું જોઈએ, જે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી થવું જોઈએ એ થતું હોતું નથી। ત્યારે આ પશુપાલન જે છે એને પણ આપણે નફાકારક કેવી રીતના બનાવી શકાય એની વાત એ આજે આપણે મિત્રો કરવાના છીએ। સાથે સાથે મિત્રો એક મહત્ત્વનો પોઈન્ટ અને ખેડૂતો મિત્રો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી અને પશુપાલક મિત્રો માટે પણ ખૂબ જ જાણવા યોગ્ય જે પ્રશ્ન જે હાલનો જે છે, ઘણા બધા ખેડૂત મિત્રોના ફોન આવવાના કારણે એક મેં કહેવાય ને કે ભાઈ એક મોટો પ્રશ્ન કે ખેડૂત મિત્રો માટે જે હાલના સમયગાળાની અંદર જે વેતરે ન આવું, ગાભ ન રાખવી, આ એક મોટો પ્રશ્ન જે છે એ પશુપાલનમાં નડે છે। એમાં ખાસ કરીને જે છે એ ગાય હોય ભેંસ હોય તો એને જે છે એ આ બે વર્ષ ત્રણ વર્ષ બે ત્રણ વેતર ચાર વેતર દોયા પછી એ કહેવાય કે વેતરે આવતી નથી, એટલે કે ટૂંકમાં ગાભ જે છે રાખતી નથી। ત્યારે આ ગાભ જે છે એ નથી રાખતી એની પાછળના કારણો શું? આ ગાભ જે છે એ રાખવા માટે જે ગાયો કે ભેંસો જે છે એને આપણે સસ્તામાં વેચી દેવી પડે છે અથવા તો રોડે જે છે એ છોડી મૂકતા હોય છે, ત્યારે પશુપાલક મિત્રો માટે ખૂબ જ સારા અને ખૂબ જ અગત્યના એવા સમાચાર કે આજે જે એક ખેડૂત મિત્રો માટે સતત ને સતત જે અમારા જે સાહેબ છે એ કામ કરી રહેલા છેલ્લા 20-25 વર્ષ સુધી જે છે જેણે પશુપાલકો સાથે કામ કર્યું અને આ પશુપાલક મિત્રો માટે જે કહીને કે ભાઈ આ વેતરે ન રહેવાનો જે પ્રશ્ન છે એનો એકદમ જે છે સચોટ અને સારો અને કહેવાય કે પ્રાકૃતિક રીતે જે છે એ ઉપાય એ અમારા સાહેબ બતાવવાના છે। ત્યારે સાહેબ જે છે આપણે હિન્દીમાં વાત કરવાના છે, સાહેબ આપનો પરિચય આપી અને ત્યારબાદ જે છે અમારા ખેડૂત મિત્રો માટે આ હાલનો જે મોટો વિકટ પ્રશ્ન છે જે ગાય જે છે એ ગાભ રહેતી નથી, ભેંસ જે છે એ વેતરે આવતી નથી, તો એને જે છે એના કેવા પ્રશ્નો જે આવે છે અને શા માટે રહેતી નથી અને એના ઉપાય તરીકે જે છે એ અમારા ખેડૂત મિત્રોને વાત કરો, આપનો પરિચય। નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, મેરા નામ અદ્વૈત દેશમુખ। ये महाराष्ट्र में बहुत सारा जो जिस तरीके से डेयरी में जो दूध उत्पादन होता है और जो खेडूत की समस्या है उसके बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए मैं आया हूँ। तो सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि गाय जो है वो गाभ नहीं जाती है। जो खेडूत हर रोज जो खिलाता है वो खिलाना जो है वो पोषक तत्वों के साथ में जो उसको खिलाना चाहिए वो पोषक तत्व उसको नहीं मिलते हैं। अभी गाभ क्यों नहीं जाती है? जो गाय या भैंस जो जिसका पालन पोषण आप कर रहे हो वो एक बच्चा देने के बाद में गाय 90 दिन में वो दोबारा हीट में आनी चाहिए और भैंस 120 दिन में आनी चाहिए बच्चा देने के बाद, लेकिन हमारी कोई गाय कोई भैंस ये हीट में सरासर नैसर्गिक रीत्या वो आती नहीं है, और वो नहीं आती है तो हमारा खिलाना पिलाना जो उसका खर्चा है हमारी जो मेहनत है वो ज़्यादा दिन तक उसको देनी पड़ती है जिसका हमको नुकसान होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है और हम उसको बच्चा गाभ नहीं जाती है और जो गाभ जाने के लिए जितने तरीके हम आजमाते हैं उसमें हमारा नुकसान होता है। वो नुकसान से बचने के लिए अभी क्या उपाय है? जो गाय गाभ नहीं जाती है उसको वो साइलेंट हीट दिखाती है, जो कि मतलब हीट में आती है लेकिन गाभ नहीं जाती है, ये उसकी समस्या है। जो नैसर्गिक रीत्या समय पर हीट पर नहीं आती है, ये सारी जो समस्याएं हैं उसके अलग अलग कारण है।
कुछ जेनेटिक होते हैं, कुछ पोषक तत्व ना मिलने से होते हैं। अभी पोषक तत्व ना मिलने से भी अलग अलग कारण है, जैसे कि हम पोषक तत्व अगर नहीं देते हैं, जो घास जो रोजाना सस्ते में सस्ता घास जो देना दे सकते हैं, वो हम सस्ते में ही उसको खिलाते हैं, जिसके कारण उसको हम जो दूध लेते हैं, दूध से जो पोषक तत्व उसके शरीर से निकल आते हैं, उसके हिसाब से अगर हम उसको खाना नहीं खिलाए तो उसकी पोषकता शरीर से कम हो जाती है, जिसके कारण जो प्रजनन क्षमता है उसकी कम हो जाती है, और जो प्रजनन क्षमता कम होती है तो ये सारे जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं। तो फिर डॉक्टर को हम बार बार बुलाते हैं, फिर 21 दिन की जो समय पे हिट में नहीं आती है तो 21 दिन की जो साइकिल है उस पर हमको वेट करना पड़ता है। तो बार बार अगली बार अभी जो इंजेक्शन लगा के डॉक्टर चले गए तो 21 दिन तक हमको उसको राह देखनी पड़ती है, वेट करना पड़ता है, तो फिर उसको खिलाना पिलाना पड़ता है, जो डॉक्टर बोलता है उसके लिए कुछ ना कुछ हमको जो लिखित जो कुछ प्रिस्क्रिप्शन होता है वो दवाई वो लानी पड़ती है, वो खिलानी पड़ती है, डॉक्टर का फीस देना पड़ता है। ये सारी समस्या हमारी नुकसानदायक है, जिससे हमारा नुकसान होता है रोज, और हम वो कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। हमारा जो नुकसान हो रहा है वो हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, और गाय की तरफ देखते हैं कि ये गाय कमजोर हो रही है, इसको बेच दो। गाय कभी कमजोर नहीं होती है, हम खिलाना पिलाना जो पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। हमने भरपूर मात्रा में दूध लिया है तो जितना सारा हमने दूध लिया उसके हिसाब से हम पोषक तत्व अगर नहीं देते हैं तो ये सारी समस्या है। अभी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूँ, प्रजनन क्षमता उसकी कम हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि जो उसकी जो बीज धारण क्षमता है वो कम हो जाती है, ओवरी जो होती है वो ओवरी की साइज कम हो जाती है, जिसके कारण जो ओवरी की ओरिजिनल साइज होती है वो बादाम के जैसी होती है, जो बादाम के जैसी साइज है वो क्षीण होते होते वो छोटी छोटी हो जाती है, जिसके कारण वो स्त्री बीज उसकी जो धारण क्षमता है उसकी जो वो क्षमता कम हो जाती है, उसके कारण जो डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं वो संयोग नहीं हो पाती है। तो ये सारी समस्या, तो जब हम पोषक तत्व से भरपूर उसको खाना खिलाएंगे तो ये सारी समस्याएं नहीं होगी या कम होगी। अब ये देखिए कि मेरी गाय ने हमारे घर में जो भी गाय है या भैंस है उसमें बच्चा कब दिया है, तो जो बच्चा दिया है उसके बाद हम कितने दिन से पाल रहे हैं उसको, तो उसके लिए हम डॉक्टर को बुला के इंजेक्शन दे रहे हैं, मतलब जो प्रयास कर रहे हैं उसको हीट में लाने के लिए, गाब जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमारे पास एक माजधन बोलस करके गोली आती है। माजधन गोली, माजधन, हाँ हाँ, माजधन जो माज यानी हीट में आने के लिए, जो हीट में समय पर अगर हीट पे आती है तो आप उसको इंजेक्शन दे के सही सही उसका इंजेक्शन का उपयोग होगा, नहीं तो ये अगर हीट में ही नहीं आती है तो वो इंजेक्शन दे के भी कोई मतलब नहीं होता है। तो डॉक्टर जितनी भी बार हमको मतलब ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका असर नहीं होता है, तो हमारी गाय को या हमारी भैंस को एक अच्छा मतलब पोषक तत्व से भरपूर, विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर जो गोली है वही देनी है। वो अगर हम सवेरे शाम देते हैं उसकी जो कीमत है वो मात्र 290 रुपया है, 20 गोली उसमें आती है, गुड़ या आटा के साथ में उसको सवेरे शाम दो गोली, सवेरे एक शाम को एक ऐसी गोली अगर हम देते हैं तो सवेरे शाम 10 दिन तक अगर आप देते हैं और अगले हीट में वो आनी चाहिए, ये उसका डोज और उसके हिसाब से जो उसकी ज़रूरत पूरी होती है। अभी
ये नॉर्मल तौर पर हमारी जो कोई समस्या है उसके ऊपर ये उपाय है। अभी हमको ये देखना है कि एक साल के ऊपर कोई गाय या भैंस नहीं आ रही है, कोई दो साल के ऊपर नहीं आ रही है, तो हो सकता है ये जो है ना उसको रिपीट करना पड़े, एक पैकेट की बजाय दो पैकेट देना पड़े, जिस जो कि इसका मापदंड ऐसा हमको पक्का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जितनी उसकी कमतरता है उस हिसाब से हमको उसको देनी है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पैसा बचाया है फॉडर में, घास में हमने सस्ता घास कुछ ना कुछ ऐसे खिलाया है ताकि वो क्षीण हो गई है और उसकी प्रजनन क्षमता जब तक कि पूर्ववत नहीं होती है तब तक हमको उसको देना पड़ेगा। ज़्यादातर ये 20 गोली में ज़्यादातर आ ही जाती है, लेकिन कोई कोई जानवर को ज़रूरत ज़्यादा है, कोई कोई तीन तीन साल तक गाय गाब नहीं जाती है या भैंस हमारे यहाँ घर में पड़ी है, हम खिला रहे हैं और उम्मीद में बैठे हैं ये अभी नहीं आएगी, अगले हीट में आएगी, अगले हीट में आएगी और हम खिला रहे हैं, तो उसको जो पूरी उसकी क्षमता है पूर्ववत होने के लिए कभी कभी दो पैकेट भी देने पड़ेंगे, लेकिन एक या दो पैकेट, ज़्यादातर एक पैकेट में आ ही जाती है, सवेरे एक शाम को एक। वो जो गोली है मासदन गोली, वो कोई केमिकल है? नहीं, ये कोई हमारे मिनरल्स नुकसान की करेगी या नुकसान की कोई बात ही नहीं है। मिनरल्स जो भी है उसमें कॉपर है, कोबाल्ट है ना, ये सारे तत्व जो है वो पोषक तत्व ही है, जो खाने में उसको नहीं मिले है, हमने नहीं दिए है जो खाने में, वही हम उसको गोली के तौर पर दे रहे हैं। ज़्यादातर खुराक अगर अच्छा रहे, सर्वसामान्य खुराक अगर रहे, तो ये गोली की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमको है ज़रूरत, अगर साइकिल को रेगुलर बिठानी है तो उसको देना पड़ेगा आज के लिए। एक बार आप खाना ठीक से समझ के देना शुरू करेंगे तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हमको खेडूत को मतलब उसको मुनाफे में गाय भैंसों को लाना है, ये हमारा उद्देश्य है। एक बार अगर वो आपका हरा चारा, सूखा चारा, ये जो पोषक तत्व है, कुछ ना कुछ मिनरल मिक्सचर है, ये सारा अगर उसका आहार विहार ठीक रहेगा तो ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात साहब आपने हमारा किसानों के लिए की कि जो हमारी यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि वो गाब नहीं रखती है, गाब में नहीं जाती है। तो आपने जैसे ये हमारे किसान भाइयों को पूरे पोषक तत्वों से जो हो रहा है इसकी बहुत अच्छी बात की साहब। वो गोली है वो कौन सी कंपनी बनाती है वो भी हमारे किसानों को बताए। ये जो कंपनी है ये सदन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जो पनवेल बम्बई स्थित कंपनी है ये, और यहाँ महाराष्ट्र में लगभग बहुत सारी नामांकित डेयरी में इसका इस्तेमाल होता है, बहुत सारे एआई वर्कर्स जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, जो डेयरी अंतर्गत जितने सारे जो एक बार डेयरी खरीदती है या डेयरी में जो दूध देने वाले जो सारे किसान भाई है वो वहाँ से ले जाते हैं, और ये गोली मतलब एक बार बच्चा दे दिया तो उसके बाद में ये गोली खिला ही देते हैं, ताकि आने वाले समय में हम राह देखते हैं और राह देखने के बाद में नहीं आई तो फिर और अगला महीना हम बेकार ये जाते हैं। तो एक बार बच्चा होने के बाद में अगर उसको हमने दे दिया तो ये रेगुलर प्रैक्टिस हो रही है, और महाराष्ट्र में ये करीब करीब ये जो है वो कंपनी को 15 साल हो गए हैं, ये कंपनी बहुत पुरानी है और 15 साल से महाराष्ट्र में नासिक, पुणे, कोल्हापुर, ये सारे जो मतलब चितले डेयरी है, गोकुल डेयरी है जो नामांकित डेयरी है, यहाँ पे सारे लोग, पुणे की कात्रज डेयरी है, ये सारी डेयरी में इसका इस्तेमाल हो रहा है।
बहुत अच्छा साहब, हम हमारे किसानों के लिए आपने जो बताया कि 290 रुपये में वो काम हो जाएगा और जो जो गाभ में नहीं आई आती है वो गाय गाभ में आ जाएगी, भैंस में भी वो उपयोग कर देगा। तो मित्रों साहब आपने खूब सरस मजानी बात ये आपने करी कि भाई आ रीतना जे छे ये आ માસધન ગોલી છે એ આવે અને એના માટે જે છે એ મિત્રો તમને હેલ્પલાઇન નંબર આપીએ છીએ અને હેલ્પલાઇન નંબર લખી લો 98-2-44-32-9-69 98-2-44-32-9-69 બીજો નંબર છે 92-65-43-1300 આ નંબર પર મિત્રો ફોન કરી અને આ ગોળી જે છે એ તમારા ઘર સુધી પહોંચી જાય, કુરિયર સુધી પહોંચી જાય, ગુજરાતના કોઈ પણ ખૂણે જે છે એ આ માસધન જે છે એ ગોળી તમને આ હેલ્પલાઇન નંબર ઉપરથી મળી જશે। સાહેબ આપને અમારે કિસાનો કે લીએ બહોત અચ્છી બાત કી એ ઇસલીએ મેં કિસાન સફર કે તોર સે એઝ એ મૂળિયા આપકા ખૂબ ખૂબ જે હે ઓ અભિનંદન યા શુભકામનાઓ પાઠવતા હોય। કિસાન મિત્રો તમને વિડીયો સારો લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને બીજા ખેડૂતો સુધી જે છે એ પહોંચાડવા માટે મિત્રો મદદ કરજો। ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત સુખી તો બધા સુખી।